नमस्कार किसान मित्रों, मैं आपका फ्रेंड स्मॉल मेटर गणेश यादव। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि प्लास्टिक आज विश्व स्तर पर सबसे बड़ी समस्या बन गई है, न केवल मनुष्य के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी। जैसा कि आपने देखा होगा कि आपके गांव में कहीं पर आसपास या फिर सड़क पर गाय खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थों से सनी प्लास्टिक को खा लेती है और पेट में वो प्लास्टिक पच नहीं पाती है और उस दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसी उपचार को लेकर जयपुर के पशुपालन अधिकारी डॉक्टर कैलाश मोड़े ने एक उपचार विधि बताई है जिसमें गाय के पेट में ही प्लास्टिक को गला दिया जाता है या फिर उसको बाहर निकाला जाता है बिना पेट को फाड़े हुए। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये विधि और इसमें कौन कौन सी सामग्री लगती है जिसके द्वारा आप गाय का इस प्रकार से उपचार कर सकते हैं। तो आइए देखिए इस विधि को, सामग्री को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जानकारी अच्छी हो तो वीडियो को शेयर करें। तो आइए अब हम समझ लेते हैं उस आर्टिकल को जो कि डॉक्टर कैलाश ने अपने फेसबुक पर अपलोड किया था। जी हाँ दोस्तों, आप इसको यहाँ पर भी सर्च कर सकते हैं फेसबुक पर। तो दोस्तों, आपको जैसे यहाँ पर हेडिंग दिख रही होगी, यहाँ पर है अब गाय के पेट में से प्लास्टिक पॉलिथीन निकालने के लिए पेट फाड़ने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। बिना ऑपरेशन के भी आप गाय के पेट से पॉलिथीन को निकाल सकते हैं। कैसे समझते हैं? सबसे पहले आप ये समझें, गाय के पेट से पॉलिथीन को समाप्त करने का सफल उपचार जयपुर के डॉक्टर कैलाश मोड़े, पशुपालन अधिकारी जयपुर नगर निगम के, जिन्होंने ये उपचार बताया है। इनके मोबाइल नंबर भी दिए, अब इनको कांटेक्ट भी कर सकते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन को समझने के लिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों, इसमें कौन कौन सी सामग्री लगती है और उसका कैसे यूज होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको सामग्री दी हुई है 100 ग्राम सरसों का तेल, 100 ग्राम तिल का तेल, 100 ग्राम नीम का तेल और 100 ग्राम अरंडी का तेल। ये सारी सामग्री आपको लेना है। अब इसको कैसे विधिवत यूज करना है वो हम समझ लेते हैं। यहाँ पर इन सबको खूब मिलाकर 500 ग्राम गाय के दूध की बनी छाछ में डालें तथा 50 ग्राम फिटकरी, 50 ग्राम सेंधा नमक पीसकर डालें। ऊपर से 25 ग्राम साबुत राई डालें। ध्यान रखिए दोस्तों, राई को पीसना नहीं, उसको साबुत ही डालना है। यह घोल 3 दिन तक पिलाएं और साथ में हरा चारा भी दें। आपको गाय के लिए खाना पीना बंद नहीं करना, उसको चारा डालते रहना है। ऐसा करने से गाय जुगाली करते समय मुँह से पॉलिथीन निकालती है, कुछ ही दिनों में सारी पॉलिथीन बाहर हो जाएगी। अगर आप चारा नहीं खिलाएंगे तो जुगाली नहीं करेगी और पॉलिथीन बाहर नहीं आएगी। अगर आप दोस्तों इस उपचार को सफल समझ रहे हो तो इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप घर बैठे ही बहुत सारी गौ माता की जान बचा पाएं। और ये न्यूज़ बिल्कुल सही है, ये फैक्ट नहीं है। ये उपचार सफल सिद्ध हो रहा है। आज भी हजारों गौ माता पॉलिथीन खाने से मर जाती है और आप एक शेड से हम हजारों गौ माता की जान बचा सकते हैं। दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।